वहीं कोटा के हॉस्टल में रविवार ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इस हादसे में 6 स्टूडेंट्स झुलस गए थे, जिसके बाद अब प्रशासन सक्रिय हो गया है। निगम की टीम ने 2 और हॉस्टल को सीज कर दिया है। वहीं पुलिस ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। स्थानीय लोगों को स्टूडेंट का कहना है कि आग लगने के दौरान 30 मिनट का वक्त खौफनाक मंजर की तरह था। आग लगने के करीब 1 घंटे बाद भी ना पुलिस पहुंची और ना ही अग्निशमन विभाग की दमकलें। स्थानीय लोग समय पर अलर्ट नहीं होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। डीएसपी राजेश सोनी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान हॉस्टल में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। हॉस्टल में सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं थे। विद्युत ट्रांसफार्मर भी हॉस्टल परिसर की बिल्डिंग में ही लगा हुआ था। अब तमाम छात्रों को अलग अलग हॉस्टलों में शिफ्ट करने के बाद लगातार उनसे संपर्क कर संवाद किया जा रहा है। हॉस्टल मालिक और हॉस्टल लीज धारक और वार्डन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। और प्रथम सबसे पहले हमने सारे बच्चों को अस्थायी रूप से आसपास के 3 हॉस्टलों में शिफ्ट किया है। कल तो हमने हॉस्टल एसोसिएशन की मदद से सभी बच्चों को शिफ्ट किया है। बाकी बच्चों पे ये बाध्यता नहीं है कि वो उसी हॉस्टल में रहें। अभी उनसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। 2-3 दिन में वो उनको वही हॉस्टल पसंद आया तो उसमें रह लेंगे, वरना कोई जो भी उनको उनके हिसाब से सुविधा से जो हॉस्टल अच्छा लगता है वहाँ चले जाएंगे। कल कार्रवाई भी की गई है। हमारी प्राथमिकता यही है कि उनको जो जिस हॉस्टल में फायर एनओसी है उसी में रहें, ऐसे हॉस्टल में नहीं जाएँ जब फायर एनओसी में। अग्निशमन विभाग द्वारा कल 2 हॉस्टल सीज भी किए गए, उस हॉस्टल को भी सीज किया गया और एसपी मैडम के निर्देशन में लगातार हम उसमें सारे बच्चों के परिजनों को हमने सूचना दी है। सारे बच्चों को आज भी हम संभाल रहे हैं कि उनको उस घटना के बारे में कोई किसी तरह का मन में कोई भय नहीं रहे, घबराहट नहीं रहे और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से वापस से शुरू हो सके।